ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चेक करना होता, उनको सीधा सरकारी रिजल्ट पे चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ सरकारी रिजल्ट में नहीं है, मतलब वो चीज़ फेक है, तो ये जो मेंटेलिटी बनाए बैठे वो बिल्कुल गलत है। आसाम राइफल्स का न्यू रिक्रूटमेंट का ट्रेड्समैन का 1380 पोस्ट, 1380 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2020 आउट हो चुका है 2022। तो इसके बारे में अब देखो, मैं डिटेल्स ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ जिस दिन एक नोटिस आया था शॉर्ट में, और आज अगर इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आ जाएगा तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, वैसे बहुत कैंडिडेट का डाउट से आ रहा है कि भैया एज का बता दो मैक्सिमम मिनिमम, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का भी मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि ग्रुप सी का जॉब है। ठीक है, जॉब और उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा आज से। अब देखो आज से क्या, यहाँ पे जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आ जाएगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़ी भी आपका लगने वाला है, तो फिर एग्ज़ाम वगैरह भी आपके ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। ग्रुप बी के लिए यहाँ पे 200 रुपये, ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 100 रुपये, उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन फ़ी पे कर पाओगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए, और क्लर्क के लिए भी एज यहाँ पे 18 से 25 साल मांगा गया है। ओवरऑल एज की बात कर लेते हैं तो आपका एज 18 से 23 साल ब्रिज एंड रोड एज के लिए, ब्रिज एंड रोड के लिए, और जो क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे उनका 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 1380 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं, तो ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो भी यहीं पे अपन मेंशन की रखी है। ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 17 पोस्ट होने वाली है मेट, और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आया भैया, आप कुछ भी बता रहे हो, तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आके यहाँ पे चीज़ों पे स्मूथली डिस्कस करेंगे। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क करोगे, फिर मैं उनका रिप्लाई करूँगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये वाला हो सकता है, क्योंकि अभी न्यू रिक्रूटमेंट आया है तो उसका भी रिप्लाई अपन ज़रूर करेंगे। ठीक, तो अभी आप सभी को एक चीज़ शेयर करनी थी, आपकी जानकारी में कोई भी जो सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड का हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, बेसिकली यूपी पे हो चुके हैं, बिहार पे तो रिजल्ट भी आ चुका है, सीबीएसई की एग्ज़ाम चल रहा है, फिर भी आपकी जानकारी में कोई हो जो बोर्ड्स एग्ज़ाम के एमपी बोर्ड जैसे होने हैं, या फिर आपका नीट यूजी या फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए अनअकैडमी अभी तक का बेस्ट ऑफर लेके आई है सब्सक्रिप्शन के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन करो, आपको फ्री में क्लासेस मिलते हैं, आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, जिसे हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। स्पेशल क्लासेस में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके प्रिपरेशन को लाइक को आप पे बूस्टअप किया जाता है, और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए फिर आपको प्लस करना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अगर किसी प्रकार का प्लस चाहिए तो कोड यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन D50 ONLI, यानी नहीं तो इग्नोर मार सकते हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं टॉपिक पे बैक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की 17 पोस्ट है। अगर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लर्क की मेल एंड फीमेल के लिए। अब क्लर्क के मेल एंड फीमेल के लिए इसमें मोस्टली कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे 10+2 मतलब 12th पास आउट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए 35 पर वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं रिलीजियस टीचर की, अपन बात नहीं करेंगे। हाँ, ये भी पोस्ट यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, जिनके पास ITI है उनके लिए ये बढ़िया मौका हो जाएगा। ठीक है, 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको 10th पास होना चाहिए और ITI आपका होना चाहिए उस फील्ड में। ठीक है, जिस जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उस फील्ड में आपका ITI होना चाहिए। 12th पास विथ नॉन मेडिकल, मेडिकल लाइन से आपको 12th पास नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। रेडियो मैकेनिक का भी सेम ITI यहाँ पे चाहिए, और 10th पास हो गए तो आप कर पाओगे। और अगर आपको आपको ये लग रहा हो कि भैया कोई 10th पास वाली बता दो, तो ये आर्मरर की पोस्ट है यहाँ पे, 10th पास कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। उसका लेबोरेटरी असिस्टेंट 13 पोस्ट है, 10th पास कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। नर्सिंग असिस्टेंट 100 पोस्ट है, 10th पास कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। वॉशरमैन के लिए 80 पोस्ट है, 10th पास यहाँ पे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन का। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहो तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ सकते हो। देखो आसाम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको फ्रंट में ही यहाँ पर आसाम राइफल्स का ये
हेल्पलाइन नंबर और इंक्वायरी देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डाउट आए तो बताइएगा, अभी तक मैंने भी कभी इनको कॉल नहीं किया है, करके देखते हैं कि इनका क्या रिप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब मैं आपको इनका जो ऑफिशियल नोटिस आया था वो भी चलो दिखा देता हूँ। ये देखो मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है ये नोटिस उनका ऑफिशियल, इस बार का ऑफिशियली अपना न्यूज़पेपर का, ये न्यूज़पेपर का नहीं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का है। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें मेंशन की हैं वो आप देख सकते हो। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022, और यहाँ पे इन्होंने टेंटली मेंशन भी कर रखा है कि आपका शेड्यूल फॉर्म जो रैली होगी 1 सितंबर 2022 से कंडक्ट कराई जाएगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं 1380 पोस्टें होने वाली हैं। देखो यहाँ पे मेंशन करा रखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिज एंड रोड के लिए 17 पोस्ट है, क्लर्क के लिए 287 पोस्ट है। पोस्ट मैंने आप सभी को बता दी, जो आप सभी के लिए बेस्ट थी वो भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। आगे बात कर लेते हैं। द एस्पिरेंट आर हियर बाय एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द असम राइफल्स ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आज डेट दे रखा है, तो आज शाम तक का वेट करिए, जो होगा मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैकेंसीज जो हैं आपकी कम ज़्यादा हो सकती हैं, यहाँ पे 3 नंबर पे वही चीज़ मेंशन की गई है, बट मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, वैकेंसीज कम तो नहीं होगी, प्लस ही होंगी अगर होगी तो। ठीक है, कम तो जैसे यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का आप देख सकते हो, अभी हाल ही में 1500 से भी ज़्यादा पोस्टें बढ़ गई हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे इन केस ऑफ एनी क्वेरी द फॉलोइंग नंबर्स मे बी कॉन्टेक्टेड ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम इतने आवर्स टू इतने आवर्स, मतलब कि आपको अगर कोई क्वेरी होता है तो आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो शाम 7 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे क्वेरी के लिए नंबर दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया है। आप अगर कुछ चीज़ें आपको जो समझ में ना आ रही हो आप खुद इनसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको भी ना लग रहा हो कि भाई आपसे नहीं बन पाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आस्क कर लूँगा। ठीक है, यही चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, एलिजिबल हो ITI है तो करिए, और नहीं है तो टाइपिंग वाइपिंग आपको आनी चाहिए तो आप इन फॉर्म को फिल कर पाओगे। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, उन्हें भी बता दो, तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट आए, कुछ चीज़ें जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आज कर लो। बाकी वीकली जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में परफॉर्म करो अच्छा, और अच्छे मार्क्स लाओ तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर प्राइजेस मिलते हैं। रैंक्स अगर अच्छी आती है तो वहाँ पर आप टॉप 50 में अगर आते हो तो आपको ऑलमोस्ट 10 लाख तक का प्राइज़ मिलता है, वो भी मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो आपको फिर भी ना समझ आए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आज करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।